रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा आज मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर पहुंचे। डिस्पैच सेंटर पहुंचकर उन्होंने वहां की विधि व्यवस्था का जायजा लिया तथा वहां मौजूद पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भयमुक्त होकर वोट करने की अपील भी की। झारखंड पुलिस कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अब तक पिछले चुनाव में कोई घटना वैसे सामने नहीं आई, इस बार भी ना आए। बिल्कुल इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए हमारा एक एक जवान, एक एक पदाधिकारी जो है वो मेहनत कर रहा है, वह दिन रात जग रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और निश्चय ही हमें गौरव है। सर, सिल्ली और खिजड़ी के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील आप करेंगे, क्योंकि रांची में मतदान कम हुआ? अपील इतना ही है कि आप सरकार से काफ़ी अपेक्षाएँ रखते हैं तो निश्चय ही सरकार को बनाने में आप अपने योगदान के लिए वोट देने जरूर आएँ। हर तरह की सुविधा रखी गई है, आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, यही मेरा अपील है कि अभी सबको ही वोट देना है। सर, सेंसिटिव बूथ भी बनाया गया है क्या इस बार दो विधानसभा? बिल्कुल, वो क्रिटिकलिटी हम लोग डिसाइड करते हैं, तो कुछ जो है नक्सल इतिहास के चलते क्रिटिकल होते हैं, कुछ जो है अदर रीजन पॉलिटिकल कंपटीशन या कॉमनल रीजन से भी क्रिटिकल होते हैं, तो हमारे हर तरह के क्रिटिकल बूथ्स पे जो है केंद्रीय बल हैं। तो सर, ऐसे जगहों में किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो मतदान कर्मी गाड़ियों से जा रहे हैं उनको लेकर? हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पर, चेक पोस्ट लगा हुआ है कि कौन कौन सी टीम फॉर्म हुई। हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है, कंट्रोल रूम से भी लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, कहीं पर भी अगर किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत हो रिप्लेसमेंट भी दिया जा रहा है और सारा काम स्मूथली चल रहा है। तो भी कितने फोर्स डिप्लॉयड होंगे? ये फोर्स की संख्या बताना उचित नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि लगभग 41 कंपनी जो है हमारे केंद्रीय बल की है, इसके अलावा झारखंड आर्मी पुलिस की है, रांची डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है, होमगार्ड्स की है, हर तरह का फोर्स जो है। और सर, ये वापसी को के समय में किस तरह से प्रिकॉशन लेंगे, मॉनिटर? ये स्ट्रेटजिक बातें हैं, ये बातें मीडिया में शेयर नहीं की जा सकती, पर हम लोग सारा प्रिकॉशन लेंगे।